हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ताज़ा मटर की कचौड़ी। मटर बहुत ही कॉमन है सीजन में और ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप्स मैदा लिया है या प्लेन फ्लावर। उसके अलावा यहाँ पर फिलिंग के लिए मैंने 1 कप मटर लिया था फ्रेश, आप फ्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैंने मिक्सर में इस तरह से कोर्स ग्राइंड कर लिया। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कोर्स है, बहुत फाइन नहीं ग्राइंड करना है हमने इसको, वरना ये बहुत ही पेस्टी सा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा मसालों में मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून भरकर गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है और 1/8 टीस्पून हींग लिया है। आप अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं हींग के जगह पर। 1 टीस्पून धनिया लिया है और सॉल्ट एज पर आज टेस्ट हम यूज़ करेंगे। 6 से 7 के लिए लहसुन की 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, कोर्स ग्राइंड कर लिया है इसको। अगर आपके पास सौंफ का पाउडर अवेलेबल है तो 1/2 टीस्पून वो ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत टेस्ट में फ़र्क पड़ता है कचौड़ी में। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है जिसको मैं एंड में ऐड करूँगी फिलिंग पे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन है, प्लीज़ उस पर क्लिक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से मटर कचौड़ी। तो सबसे पहले हमने ऊपर की कवरिंग तैयार कर लेनी है। उसके लिए मैंने जो 2 कप मैदा लिया है उसमें हमने सॉल्ट एज पर टेस्ट ऐड कर देना है और मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। तो ऑयल हमने एटलीस्ट 4 टेबल स्पून के आसपास ऐड करना है ताकि कचौड़ियाँ जो है ये हमारी खस्ता और करारी बनकर तैयार हो। अब ये हमने इसमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसके अंदर और अगर आप देखें तो इसका टेक्स्चर भी काफ़ी क्रम्बली सा हो गया है अभी, ये देखिए। तो अब हमने इसमें वाटर ऐड कर देना है और इसका एक मीडियम डो लगाना है हमने। डो ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा स्टिफ भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, तो मीडियम डो लगा लेंगे हम। तो यहाँ देखिए मैंने डो को ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ ताकि ऊपर से ये स्मूथ हो जाए और इसको 1 मिनट के लिए मल लेंगे हम। और हमारा जो डो है ये इस वक्त रेडी है। तो डो को हम अब साइड में रखे रहने देंगे थोड़ी देर के लिए कवर करके, तब तक हम कचौड़ियों की फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर पैन चढ़ा दिया है जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं ऐड करेंगे वरना फिलिंग जो है वो बहुत सॉगी हो सकती है। अब हमने इसमें सबसे पहले जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट जो मैंने लिया है वो मैं ऐड करूँगी। इसको आधे मिनट के लिए हम इस तरह से सॉटे कर लेंगे। सारे इंग्रीडियंट्स डालते जाएंगे अब हम इसमें। तो हल्दी और हींग ऐड कर रही हूँ मैं, धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखने यही रखना है कि मसाले जले नहीं, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख दें इस वक्त। तो अब हमने इसमें मटर ऐड कर देना है। मटर को मैंने कोर्स ग्राइंड कर लिया है, इसको भी हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसको बीच बीच में फोन कर चला लिया था। इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह से प्रेस करते हुए कुक कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए फिलिंग। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा मैं नींबू का रस ऐड करूँगी, आप चाहें तो थोड़ा सा आमचूर ऐड कर सकते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी इन्ग्रीडियंट्स में। इससे बहुत फ्लेवर अच्छा एनहेंस होके आता है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। मैंने इसको इस तरह से हाई हीट पर दबाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है और ये बिल्कुल पाउडरी सा हो गया है अभी। तो इसी तरीके की फिलिंग हमको चाहिए अंदर स्टफ करने के लिए। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, थोड़ी देर हमने फिलिंग को कूल कर लेना है और उसके बाद हम कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा आटा भी फूल कर अच्छी तरह से सेट हो गया है, ऑलमोस्ट 1/2 आवर हो चुका है और अब हमने इसकी पेड़े बना लेने हैं। इसको मैंने इस तरह से लंबा कर लिया है और अब हमने इसके मीडियम साइज के बॉल्स जो है वो कट कर लेने हैं। और ये देखिए यहाँ पर मटर की फिलिंग जो है ये भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से कूल हो गया है। तो इसके भी हमने छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं ताकि ये ईजी हो जाए। तो थोड़ा सा पेड़ा मैं इस तरह से ले रही हूँ, पेड़ा बना रही हूँ इसका इस तरह से, और इस तरह से हमने इसके बॉल्स बना लेने हैं।
ये देखिए बहुत इजीली ये बॉल्स बन जाएंगे। तो सारे हमने इस तरह से बॉल्स बना के प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस तरह से मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको अच्छी तरह से पहले रोल कर लेंगे। इसको थोड़ा सा आटे में हमने डिप कर लेना है और इसकी किनारी को इस तरह से प्रेस करते हुए हम इस तरह से कटोरी बना लेंगे। इसके अंदर हमने इस तरह से जो फिलिंग है मटर की वो रख देनी है और सारे जो किनारे हैं उनको ऊपर हमें इस तरह से खींच कर इसको बंद कर लेना है। इसको इस तरह से मिला ले टाइट ताकि ये ऑयल में जाके फटे नहीं कचौरियाँ, और ऊपर का जो पार्ट है उसको इस तरह से पिंच कर लेंगे। इसको घुमा लेते हैं इस तरह से, ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा आटा लगा लें और इसको इस तरह से थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए सारी कचौड़ियों को मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिया है। अब हमने इसको बेल लेना है, या आप इसको हाथों से भी फ्लैट कर सकते हैं ताकि सारा जो फिलिंग है वो हर कोने में स्प्रेड हो जाए। तो इस तरह से एक पेड़ा लिया है मैंने और इसको सेंटर से मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ। इस तरह से इसको दबाते हुए हमने प्रेस कर लेना है। आप चाहें तो हल्के हाथ से इसको बेल भी सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है हमें, बस बहुत हल्का सा। ये देखिए, तो ये देखिए सारी कचौड़ियों को मैंने अच्छी तरह से बेल कर रेडी कर लिया है और अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो तेल हमारा मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में हमने इसको ऐड नहीं करना है। स्लोली ही कचौड़ियों को पफ अप होकर ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कचौड़ियाँ ऐड कर रही हूँ इसमें। इनिशियली सारी सेटल हो जाएंगी नीचे कचौड़ियाँ, और जैसे जैसे इसको हम कुक करेंगे ये अपने आप धीरे धीरे सिककर ऊपर आ जाएंगी। ये देखिए फ्लेम हमारा अभी भी लो है, आप जैसे देख सकते हैं कचौड़ियाँ धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं, कचौड़ियाँ अच्छी तरह से फूल कर ऊपर आ गई हैं। थोड़ा हमने इसको अभी टर्न कर लेना है और दूसरी तरफ से भी हम इसको कुक कर लेंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं और उलट पलट कर मैंने इसको गोल्डन कर लिया था। इसको दूसरी तरफ से भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इसको कलर आ रहा है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ब्राउनिंग हुई है इसके ऊपर। इसको अच्छा हमने डार्क गोल्डन ही कर लेना है और उसके बाद ही हमने इसको निकाल लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी है मटर की कचौड़ियाँ और ये देखिए अंदर से भी अगर आप इसका टेक्सचर देखें तो बहुत ही यमी है ये। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी सी इसकी कोटिंग है। तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुकी है खस्ता मटर की कचौड़ियाँ और ये कचौड़ियाँ लग रही है बहुत ही टेम्पटिंग। आप इसको रिलिश कर सकते हैं मीठी चटनी के साथ, तीखी चटनी के साथ, एज अ चाट भी ये खाया जा सकता है। टी टाइम स्नैक आप इसको रिलिश कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक गुड केयर, बाय।